हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ हैं मेरे दादाजी, बहुत गांव के श्रेष्ठ दादाजी और जागरूक दादाजी। ये लगभग पिछले 10 सालों से लगातार प्रधान भी रह चुके हैं। तो आइए आप दादा से रूबरू कराते हैं और दादा से जानते हैं कि गांव की विशेषताएँ और उत्तराखंड से प्लान क्यों हो रहा है, इस बारे में खूब सारी बातें करते दादा से। तो दादाजी सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिएगा। हेलो, मेरा नाम गोविंद सिंह रावत है, पूर्व प्रधान कुमालडी। हमारे गांव में जो है, यहां से जो पलायन की व्यवस्था हो रही है, यहां पर एक तो पानी की सुविधा नहीं है। ट्यूबवेल लगाया है लेकिन उसमें भी मतलब यह है कि पानी की ठीक व्यवस्था नहीं है, नहर पर भी पानी नहीं आ रहा है। और बाकी जो है तो आइए अपने गांव की विशेषताएं बताएं। हाँ, हमारे गांव में तो प्लान है, रोड नज़दीक है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से कुछ प्लान हो रहे हैं। तो क्यों प्लान हो रहा था जी, उसकी विशेषता? इसमें जो है ना कि थोड़ा यहाँ पर मतलब यह है कि हॉस्पिटल है लेकिन उसमें सुविधा नहीं है। मतलब यह है कि जैसे कि एक्सरे की या कोई जाँच की व्यवस्था नहीं है। और इस स्कूल में भी मतलब यह है कि आजकल तो लॉकडाउन हो रखा है, इसके कारण भी मतलब, लेकिन स्कूल भी ठीक चल रही है वैसे। बाकी जो है कि खेती पाती होती है हमारे यहाँ, तो अच्छा है, लोग खेती पाती करते हैं, अपने खेती से निर्भर हैं ज़्यादातर, कुछ नौकरी पेशे में है। अब ज़्यादातर आप क्या बताएं लोगों को, ये है कि बाहर जो है कि अब ये जो सर्विस वाले हैं वो अपने बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। यहाँ पर जो है कि मास्टर लोग जो है बाहर से आते हैं, उनके बच्चे बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में कम मतलब यहाँ के बच्चे आते हैं, तो उसमें ज़रा थोड़ा मतलब यह है कि पढ़ाई जो ठीक नहीं होती है, इसलिए कुछ यहाँ से जो लोग पलायन हो रहे हैं। लेकिन बाकी हमारे गांव में तो काफ़ी मतलब ठीक है, सुविधा है, गांव अच्छा है, खेती अच्छी है, खेती करते हैं लोग, खेती में सब कुछ धान झुंगरा मंडवा वगैरह सब कुछ होता है ठीक। मतलब यह है कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इतने के बावजूद भी मतलब यह है कि लोग वो कुछ समय ऐसा है कि यहाँ जो बाहर सर्विस वाले हैं वो अपने बच्चों को बाहर कोरदार या देहरादून भेज रहे हैं। तो लगभग मतलब प्रत्येक परिवार से कितने लोग प्लान कर चुके हैं? हाँ, लगभग लगभग ये है कि लगभग तो करीब करीब प्रत्येक ही परिवार से लोग आते हैं यहाँ से, प्रत्येक परिवार से सर्विस वाले हैं वो बाहर बच्चों को ले गए। अब हम खुद मेरी बात है तो हमारे तो मतलब दो लड़के हैं, एक देहरादून रहता है, एक कोरदार में रहते हैं, हम दो आदमी हैं घर में। मैंने मेरे पापा जी तो उस टाइम उनकी डेथ हो गई थी, मैं उस टाइम कुछ डेढ़ साल का था। मैं जानता भी नहीं कि मेरे पिताजी किस मतलब ये किस सूरत के थे, कैसे थे, क्या थे। मैं डेढ़ साल का बच्चा था मैं उस टाइम, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी हैं, तो उन्होंने क्या किस्सा सुना, लेकिन हम सुनते हैं ऐसी बात नहीं, हमने और बुजुर्गों से सुना। गाँव में रहते थे अंग्रेज ना, ऐसा है कि जैसे ये हमारा जो कुमालडी गांव है, ये जो है मंदाल नदी के कारण जो यहाँ पर ज़मीन बही थी धामदार झरत कतिया में, तो उस बहती का गांव मिला है। कहते थे कि यहाँ से झांसी की रानी गुजरती थी, उसके बारे में कुछ? झांसी की रानी तो उसके बारे में तो नहीं सुना, लेकिन जैसे कि यहाँ पर अंग्रेज, ये कुमालडी जो है ये अंग्रेजों की बसागत है, जो लगभग कब बसा था हमारा ये कुमालडी? हाँ, लगभग तो ज़्यादा मतलब 135 साल हुए होंगे इसको कुमालडी गांव बसे हुए। बाकी तो ये जंगलात है पूरा है, धामदार झरत और करतिया की जमीन के बदले मिला है यहाँ पर है। हाँ, प्रधान के कार्यकाल में आपने क्या क्या सुविधा की गांव में, उसके बारे में कुछ? हाँ, मेरे तो उस टाइम तुम हमारे जिले में जो है पूरे पौड़ी जिले में जो है यहाँ पर मतलब यह है कि हमारे रिखणखार ब्लॉक में जो लाइट थी, हमारे यहाँ गांव में लाइट नहीं थी। मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले सौर ऊर्जा का प्लांट बनाया था कुमालडी में,
है। उसके बाद मतलब यह है कि आठवीं तक स्कूल थी तो हाई स्कूल करवाया, हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाई और संकुल का बनाया, फील्ड बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर एक मिनी क्रीड़ा रैली करवाई थी 1992 में। और एक बार मतलब यह है कि पीआईडी का कैंप लगवाया जहरी खाल से, बीटीसी के लड़की लड़के यहाँ आए थे, 10 दिन का कैंप उनका लगाया। तो उस टाइम मतलब यह है कि मेरे मतलब यह है कि कुछ लोगों का भी मतलब सहयोग था कि जिसके कारण मतलब यह है कि यहाँ पर इतना काम हुआ। और दादी कहते थे कि 20-25 साल पहले यहाँ पे रामलीला हुआ करते थे, बट अब नहीं हो रहे हैं, उसका कोई रीज़न? हाँ, उसका रीज़न क्या है, वो तो 1960 में मैं कुमारी पूरे कुमारी में मैंने युवक मंगल दल का गठन किया था, और जब 1988 में प्रधान बना तो 30 साल रहा, 1988 में बना प्रधान, तो 90 में मैंने दूसरे को सौंपा, 15 साल में रामलीला कमेटी का अध्यक्ष भी रहा, रामलीला करवाई, तब से मतलब यह है कि उसके बाद बच्चों के पास दे दिया हमने, तब से मतलब है कि तब से कोई रामलीला नहीं होती यहाँ, ना बच्चे मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट लेते हैं, लोड़ा मतलब झांझी बेगी अब। अब क्या करें, अब ये क्या बोलना है, अब तो वक्त की बात है कि लोग बच्चे अब कहना कहाँ मानते हैं, बच्चे की जो है कि अब माँ बापों का कहने नहीं मानते थे, अब हमारे कहने क्या मानेंगे लोग। उस टाइम तो हमारे बुजुर्गों ने भी मेरा साथ दिया, छोटों ने तो हुआ लेकिन बुजुर्गों ने मेरा साथ दिया है। इसमें मतलब ये पूरे ज़िले में सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि 100 जगह प्लांट बनाया, फिर यहाँ पर रिखणखाल ब्लॉक में आज तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ पहले भी नहीं हुआ था यहाँ पर क्रीड़ा रैली, गढ़देवा बोलते थे उसको, मिनी क्रीड़ा रैली, और उसके बाद अब भी नहीं हुआ, 1992 में मैंने करवाया था। अब वो जनता का सहयोग था, जनता ने साथ दिया, तो इसके कारण मतलब यह है कि ये मैंने काम किया है, और मैंने अपना दायित्व समझा कि भाई ऐसा है कि जब लोगों ने मेरे को प्रधान बनाया है तो मैं उसकी जानकारी या उसकी मतलब उस हिसाब से मतलब है कि अपने दायित्व को निभाऊंगा, और उस ढंग से मैंने निभाया। सो कैसा लगा आपको दस से बात करके? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक, एंड जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसे जानते हो, ये है ये लड्डू, ये क्या काम आता है ये मुझे भी नहीं पता, बताओ क्या काम आता है। उत्तराखंड में बसा एक सुंदर नज़ारा कुमारडी गांव का, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यहाँ से दिखता है बबलनी गांव का एक सुंदर नज़ारा। नमस्ते दीदी, कि तुम कदा साला का छो? अरे जब सालों हो दे लेता। हाँ फिर भी बोलो कदा साला का छो? 70 साल तो 70 साल का। अच्छा कुछ अब गांव बारे में क्या? अच्छा हमारे गांव बारे में बोलो नी। हाँ कुछ बोलो, विशेषता बोलो पर गांव क्यों होना। हमारे गांव में कुछ नहीं होना, तो हमारे गांव में पानी नहीं चख पीना कर न। भाई क्या बोल रहे, बोल सिखा ले तो हम तो मां डो बोल बोल कैसे कान तुम तो बोले अब मां बारे बोले मैं तो पुराना आदमी हूं, तुम जो पुराना आदमी हैं। अच्छा ये हमारा काम पानी नहीं समगोड़े पड़े। अच्छा नीचे इनको सुविधा नीचे हाथ कुटा नीचे हम पर गुंडा काड़ा छो ने। अच्छा घर में को रे तुमरा बदुई रे हम घर में। अच्छा जब बगे सब प्लान कई हां कोई डेरा दोनों में चल गए, कोई कोदार में चल गए। अच्छा दो लड़के से मेरा। नमस्ते दीदी बोलो दीदी बोलो चलो दीदी नमस्ते बोलो ने। अच्छा दीदी तुम्हारा नाम? मेरा नाम सरोज नेगी। अच्छा और तुम ससुराल से छे? मेरा द्वारी छे। द्वारी अपन बारे में को ससुराल से बारे में बस आदि मही जा घर में। अच्छा हम कोरदार रंद हो, कोरदार मेर मकान छे। प्लान कर मतलब हां कोरदार रंद हम हमर मकान छे ओके कोरदार। अच्छा अरे एक माफ दे जे त देखना का या छ
तो एक भाई में यार दे रहा दोनों में बने मकान है। अच्छा। एक भाई में यार कोड़दार हम मकान। अच्छा। हाँ बाकी सब ठीक ठाक से बस हम यार भी कोड़दार से पदमपुर मकान। अच्छा तो चलो बोल दे एक बार जो भी मैं बोला वीडियो देखना बोले वीडियो तो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर दिया। हाँ लाइक कर चैनल तो सब्सक्राइब कर दिया है। इस जगह का तो आप जानते ही होंगे और जो नहीं जानता है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से पूरी वीडियो देख सकता है। उत्तराखंड से जो पलायन कर चुके हैं उनमें से एक और हैं रोहित खंडवाल जी, जिन्होंने मुझे फ़ोन के ज़रिए बताया कि भाई प्लीज़ मेरे घर को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना, और जो उनके घर पे छोटी बहन रहती है उनसे भी बात करते हैं। तो चलिए एक बार वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। प्रमोद खंडवाल जी, सबसे पहले आपका गौशाला दिखा रहा हूँ, ये रोहित खंडवाल जी के छोटे भाई हैं। ये तुम्हारा घोड़ा छिरे, पर मुद्रे तुम्हारे क्या लवेरी में ले जाने रे। हाँ तुम्हारा पैपे भी लग रही रे, ये भी ले जाने में रुक जा। भारती, अरे भारती, भारती तो चले गई अपने घर। बचपन में ऐसे गाड़ी बहुत चलाते थे, आप लोग भी चलाते थे बताना। हाँ ज़रूर। तो दाई से ढेर सारी बातें करी और जाना कि उत्तराखंड में प्लान क्यों हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे पहले एक तो शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, दूसरे अस्पताल नहीं हैं, इस वजह से कई सारे गांव प्लान कर चुके हैं। तो इसी तरह के कई सारे वीडियो बनाता रहूँगा। ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड जय देवभूमि जय उत्तराखंड।